नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो में हम 6 ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, जो सिर्फ आपका नुकसान ही कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, बिना जुनून का जीवन। जब हम बिना जुनून से जी रहे होते हैं तब हमें हमारी लाइफ कठिन लग सकती है। अगर हम ध्यान देंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारे पास कुछ भी आसानी से नहीं आता, हमें वो पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमें शायद ही कुछ पल ऐसे लाइफ में मिलते हैं जब हम कभी सच्ची खुशी के क्षणों का अनुभव करते हैं। कई बार तो हम अपनी क्षमताओं पर ही संदेह करने लग जाते हैं। दूसरी ओर, जब आप जुनून के साथ काम करते हो या रहते हैं तब आप खुद को मजेदार और आनंद से भरा हुआ महसूस करते हैं। हम अपनी क्षमता पे भरोसा करने लगते हैं और अच्छी चीजें सहजता से हमारी ओर आने लगती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब लाइफ में हम जुनून के साथ जीते हैं तो वो हमारे लिए आसान है, पर बिना जुनून की लाइफ एक नीरस और मुश्किल से भरी विशालकाय खाई की तरह लगने लगती है। इसीलिए लाइफ में जुनून होना एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हमें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। हमेशा एक ऐसे जिंदगी जिए जिसे आप प्यार करते हैं और इस तरह जीवन के सभी दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। सेकंड, बुरे संबंधों का साथ देकर खुद का ही नुकसान करना। जो रिश्ते आपको सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं या खत्म कर रहे हैं, वैसे रिश्तों का आपके जीवन में कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम वही बनते हैं जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, इसीलिए हमें केवल उन लोगों के साथ ही रहना चाहिए जो हमें प्रेरणा, समर्थन, प्रोत्साहन और प्यार करते हैं। यदि वर्तमान में आपके जीवन में जो रिश्ते आपको परेशान कर रहे हैं या आपको बुरी लत में धकेल रहे हैं तो वैसे लोगों को आपके जीवन से दूर कर देना ही आपके लिए उचित रहेगा। याद रखिए कि आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। खुश रहने और सफल होने के लिए आपको ऐसे रिश्तों की आवश्यकता है जो आपको सकारात्मक रखे और आपके सामर्थ्य का विश्वास और समर्थन करे। थर्ड, बिना एंजॉयमेंट का जीवन जीना। आपको कौन सा कार्य सबसे प्रिय है जो करने से आपको कभी भी थकान नहीं लगती? जब आपका झुकाव सबसे ज्यादा काम और जिम्मेदारी के ऊपर रहेगा तब बहुत कम ऐसे पल आएंगे जो आपको दिल से खुशी दें। हाँ, बेहतर जीवन के लिए करियर और फाइनेंस के बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, उस पर ध्यान देना आवश्यक है, पर कुछ समय हमें ऐसा भी निकालना चाहिए जो पल में हम जीवन का भरपूर आनंद ले सकें। याद रखें, यह जीवन हमारे आनंद के लिए है, इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि जब भी आपको समय मिले तब खुद की खुशी के लिए जो आपको अच्छा लगे वो कार्य करें, जैसे कि हंसी मजाक, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना एक्सेट्रा। इस तरह के मस्ती और मौज से खुद के जीवन को भर दें। यह करने के बाद आप पाएंगे कि जब आप इस तरह एंजॉयमेंट के साथ लाइफ जीते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ती है। 4, बहानेबाजी करना। यह दोनों में से आपके लिए क्या बुरा है सोचें, फेलियर का अफसोस या कभी कोशिश ना करने का अफसोस। कभी कभी जब हम लाइफ में किसी कार्य में असफल होते हैं तब हम वो फेलियर में से वो महत्वपूर्ण लाइफ लेसन सीखते हैं जो हमें अगली बार कोशिश के दौरान सफल होने में मदद करते हैं। पर जब हम कभी भी कुछ नया करने की कोशिश तक नहीं करते तो हम सिर्फ यह सोचते रहते हैं कि मैंने ये किया होता तो मैं इतना सफल होता या मेरे पास यह होता, पर जब करना था तब नहीं किया। और बाद में इस तरह से सोचना, यह सिर्फ काम न करने की बहानेबाजी ही है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो आपको रिस्क लेना होगा और बहानेबाजी करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहानेबाजी सिर्फ आपको रोके रखती है जिससे आप कभी भी वो काम नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। सो आज से ही बहाने छोड़ें और जिस कार्य या प्रोजेक्ट करने से आपको डर लगता है पर आप जानते हैं कि अगर मैंने यह किया तो मैं सफलता भी प्राप्त कर सकता हूं, तो आज से ही ऐसे कार्य की ओर अपना पहला कदम उठा लें, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। 5, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इस संसार में हमारा शरीर ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं और उसके साथ ही हम मरेंगे। यह वही चीज है जो हमें जीवन का आनंद लेने का अवसर प्रदान करती है। यह शरीर की बदौलत ही हम लाइफ के सुंदर अनुभवों को जी पाते हैं। इसीलिए जब हम जंक फूड, सिगरेट, अत्यधिक मात्रा में शराब, ड्रग्स या व्यायाम की कमी के साथ अपने शरीर का जब हम दुरुपयोग करते हैं तब हम हमारी लाइफ में बुरा महसूस करना शुरू कर देते हैं और भीतर से भी हमारे शरीर को काफी हद तक नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर हमारा शरीर ही डैमेज हो गया तो फिर यह धन दौलत कमा के भी आप क्या करोगे अगर आपका शरीर ही वो जीने के लायक ना रहे। इसीलिए अपने शरीर की जैसे हम एक पवित्र स्थल की देखभाल करते हैं, इसी तरह हमें हमारे शरीर का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए।
कल्पना करें कि कोई आने वाला कल नहीं है, सिर्फ आज ही अपने शरीर का बेहतर तरीके से ख्याल रखना शुरू करना है, जिससे आप जीवन के असली आनंद को जीवन के अंत तक खुशी से ले सके, ना कि दुख तकलीफ या शारीरिक बीमारी से। 6. अपने जीवन मूल्यों से समझौता कर लेना। क्या अभी जो काम आपको करना सबसे ज्यादा पसंद है वही काम कर रहे हैं, या आप उससे समझौता कर किसी और ही काम में लगे हुए हैं जो काम करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है? अगर हाँ, तो आपने यह महसूस जरूर किया होगा कि जो कार्य करना आपको पसंद नहीं है, वो कार्य को करते वक्त बार बार डिफिकल्टी आपको आती होगी, और वो काम करने से आपको खुशी तो दूर की बात, आपको सिर्फ परेशानी या स्ट्रेस ही लगता होगा। इसीलिए लाइफ में वही कार्य करें जो कार्य में आपका मन लगता हो। मीन्स कार्य ऐसा होना चाहिए कि बिना थके आपको कोई जीवन भर भी वो कार्य को करने के लिए कहे तो आप करते रहोगे, क्योंकि वैसे कार्य ही आपको सच्चे सुख का आनंद दे सकते हैं। सो दोस्तों, ये 6 बातों का हमेशा ध्यान रखें और उसे फॉलो करें, आप लाइफ में सफलता जरूर प्राप्त करोगे। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल डिजायर हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।